सो गाइस मस्त एंड हम्मर की कुछ जींस परचेज की है मैंने फ्लिपकार्ट से, और दोस्तों इन्हीं की करेंगे अपन रिव्यू, अनबॉक्सिंग और चेक करेंगे कैसी इनकी क्वालिटी है, क्या इनकी प्राइस है, और दोस्तों इनकी प्राइस के लिहाज से इनकी क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों मस्त हम्बर काफ़ी बड़ा ब्रांड है और दोस्तों मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के ऊपर काफ़ी महंगी प्राइस के अंदर इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों क्या आपको मस्त हम्बर की प्रोडक्ट्स परचेज करने चाहिए या फिर नहीं, तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें यार, वीडियो बने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ये मस्त एंड हम्बर की जींस का पार्सल, और इस पार्सल को अपन ओपन करते हैं। यहाँ से ऊपर से मैंने ऑलरेडी कट कर रखा है, और कट करने के बाद दोस्तों इसको निकालते हैं बाहर। तो बाहर निकालते हैं तो दोस्तों आपको ये एक जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन है उसके अंदर पैक मिलता है, और उसके बाद दोस्तों इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है और क्या आपको ये परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों इनको बाहर निकालते हैं, ओ देख लीजिए ये जो आपको देखने को मिलता है ब्लू, और दोस्तों यहाँ पर लाइट ब्लू कलर के अंदर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा कलर देखने को मिलता है यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसके ब्रांड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं ब्रांड दिखा देता हूँ कौन सा ब्रांड है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्त एंड हम्बर, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या प्राइस है। 1999 यहाँ पर प्राइस शो हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही, आपको क्लियर नहीं शो हो रही होगी, बट दोस्तों 1999 इसकी प्राइस रखी गई है। बट दोस्तों इसकी जो प्राइस मेरे को मिली है वो काफ़ी अमेजिंग प्राइस है। बट दोस्तों उससे पहले क्वालिटी देख सकते हैं, तो दोस्तों ये एक डेनियम जींस है, काफ़ी अच्छी जींस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कलर के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है क्या कलर है, ब्लू कलर के साथ इसमें लाइट कलर का जो स्पॉट्स हैं वो दिए गए हैं, और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी स्क्रैच यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और दोस्तों यहाँ पर स्क्रैच डेनियम जींस देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों एक ये लाइन हाइलाइट्स हैं इसका, यहाँ पर पूरे आपको इस पे जींस के ऊपर ये फ्रंट के अंदर यहाँ पर लाइन हाइलाइट्स दिया गया है, और इधर भी दोनों साइड में दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और दोस्तों जो इसका मटेरियल है, अगर मटेरियल की बात करें तो दोस्तों पूरा डेनियम मटेरियल है जो कि काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और दोस्तों यहाँ पर पीछे की तरफ भी आपको मस्त नंबर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और दोस्तों इसकी लुकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, और पहनने के बाद क्या लुक आता है यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ वगैरह दिख रहे होंगे कैसे पहनने के बाद क्या लुकिंग आती है। अगर साइज़ की बात करें तो दोस्तों आपको सारी साइज़ इस जींस की देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसके साइज़ की बात करें तो दोस्तों आपको सारी साइज़ देखने को मिल जाएगी, और मैंने यहाँ पर 32 की परचेज़ करी है क्योंकि मैं 32 की पहनना पसंद करता हूँ, अदरवाइज़ इसको मैं अपने मर्ज़ी से कटवा के और मॉडिफाई करके उसके बाद पहनता हूँ। और यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा ही ट्राउज़र लुक के अंदर आती हैं, और इसको मैं थोड़ी सी नैरो करवा के पहनता हूँ। आप भी इसको अपने कहीं पर दर्जी के पास जाके, टेलर के पास जाके नैरो करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने एक और मंगवा रखी है, वो भी सेम ब्रांड है, मस्त एंड हम्बर का ब्रांड है, ये है थोड़ी लाइट ब्लू जो कि काफ़ी अच्छे कलर के साथ आती हैं, और दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पीछे की तरह आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी स्क्रेचेज वगैरह नहीं है, आप फ्रंट में देख सकते हैं पूरी की पूरी जींस को देख सकते हैं, किसी प्रकार की स्क्रेचेज वगैरह नहीं है इसके ऊपर, और ये भी मस्त नंबर के ब्रांड के साथ आती हैं जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड देखने को मिलता है। सेम इसके अंदर भी डेनियम का मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर भी डीप पॉकेट देखने को मिलते हैं, और दोस्तों आपको इसके अंदर भी डीप पॉकेट ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मटेरियल सेम यूज़ किया गया है, सेम इसमें आपको लोखन की जिप देखने को मिलती है, और इसके अंदर भी आपको लोखन की जिप देखने को मिलती है, यहाँ पर दोनों जिप सेम जिप देखने को मिलती है दोनों के अंदर। और दोस्तों जिप क्वालिटी और जो कपड़ा क्वालिटी है जो कि इसके मटेरियल की क्वालिटी है दोनों की काफ़ी अच्छी हैं, और दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, और सेम ये भी आती हैं ट्राउज़र स्टाइल के अंदर, और दोस्तों आप इसको आप नैरो करवा सकते हैं अपने दर्जी के पास जाके, और कहीं पर भी जाके आप अच्छे से आपके हिसाब से फ़िट करवा सकते हैं, और काफ़ी अच्छी और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसके भी फ़ोटोज़ यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे पहनने के बाद क्या लुकिंग आती हैं और कैसे आपको देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छी जींस हैं दोनों ही, और
दोनों की अगर प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों सेम अंडर 500 रुपीस के अंदर, यानी कि दोस्तों मस्ट एंड हम्बर जैसा ब्रांड अंडर 500 रुपीस के अंदर मिल रहा है आपको, जो कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। ये अलग बात है कि वॉश होने के बाद क्या चीज़ देखने को मिलती है अपने को, तो वो भी मैं आफ्टर यूज़ रिव्यू ज़रूर से अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के। बट दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है और दोस्तों अंडर 500 रुपीस के अंदर। तो दोस्तों अंडर 500 के रुपीस के अंदर एक ब्रांड मिल जाता है आपको मस्ट एंड हम्बर। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि अंडर 500 रुपीस के अंदर अगर इनको रिव्यू और रेटिंग की बात करें तो 5 में से मैं 5 देना पसंद करूंगा, क्योंकि दोस्तों अंडर 500 रुपीस में आप ब्रांड भी ले रहे हैं, क्वालिटी भी ले रहे हैं और दोस्तों आपको लुकिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इन दोनों ही जींस के लिए मेरे लिए 5 out of 5 काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। डेफिनेटली आप ये दोनों ही परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है उस लिंक से। और दोस्तों इन्हीं जींस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। वीडियो को मैं कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीडियो बनाया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।